असल नाज़रीन मैं हूं ना अब शाह अपने नए वीरो के साथ आज हम बात करेंगे वैसे भी भी हम इलेक्शन पे बात की इस पर वक्त इलेक्शन नहीं है और इलेक्शन में बहुत से सिलेक्शन और बहुत से ऐसी चीजें हैं जो बार बार दी जा रहा है इलेक्शन के ऊपर बात करें और उसमें होने वाले जो भी मामलाते हैं वो हम डिस्कस जरूर कर लेकिन आज मतलब इलेक्शन को गुजरे हुए चार पांच दिन होने के बाद जो है यह एहसास तो बिल्कुल कन्फर्म हो गया है जिसे तकरीबन तकरीबन जबान से नहीं लेकिन जैसे बहुत सारे तस्कीब कर लिया है वोट जो है वो इमरान खान के नाम पर पड़ा हो ने किया और तरीके इंसाफ ने सेव किया के अबाक की और कराची की नौनेता जमात एन के एफ की एन के एफ अस्सी के दायरे से वो जो मारे गए बाद से वो मुख्त अदवार मुख्तलि जिसे कहते हैं है और उसमे उनके गुजरा भी रहे हैं और जिसके बाद जो है उन्होंने कराची के लिए काम भी किए हैं लेकिन कुछ अभी भी कराची के अब आपका ये कहना है कि उनके हकूक का जिस तरह से होता रहा है और वो रहा है तो शायद मुत्याद हमें मूवमेंट चुने एम के उस का ऊपर के मन हम रख सकें क्योंकि वो कराची के लोगों की नुमाइंदा जमात के तौर पर उसने इलेक्शन में हिस्सा लिया उनके इलेक्शन नारा भी था कि वोट सिर्फ का और मतलब जो भी बात हो रही थी तो वो यही कहा जा रहा था कि उनको मुंतब किया जाए क्योंकि पास है के का हल उनके पास है मेरे जहां पे ये सवाल था मुझसे बहुत लोगों ने भी ये सवाल पूछा कि जब कराची के अवाम के मसायल का करने की बात करते है मुतदी मोहम्मद जब कराची के आवाम को दिलाने की बात करते मुत्यादा कौम तो फिर मुस्लिम लीग लोगों से इनाप हुए अच्छा इसका जवाब तो मुझे भी नहीं बताया था कि ये जो इस इलेक्शन इस के बाद जो पॉलिग्रिश हो रही है जो खैर मुझसे हुई नोट और एम केम का तो पहले ही हो चुपा इलेक्शन से पहले ही लेकिन तो उसके बाद फिर इलेक्शन हो रहा है रिजल्ट आने के बाद भी वाज सूरत हालत यात्रा से लेकिन उसके बावजूद वो फिर एम के एम का डेलीगेशन जाकर जो है गवर्नर से तो लोगों से देख साफ मुस्तुमा साहब ये सब वहाँ पहुँचे हैं रायबंदर है और उन्होंने नवाज़ शेख साहब से मुलाकात की फारूक सतार साहब हो गए मुस्फ़ा कमार साहब हो गए फल अबोल साहब हो गए और ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने बहुत जैसे कहते हैं कि कमरमोली से सियासत में हिस्सा लिया और उन्होंने सियासत के बड़े नशे को फरास देखे हैं उन्होंने रियासत जबर भी देखा है और उन्होंने पाबंदियाँ भी देखी हैं मसायब भी देखे हैं झेल भी देखा है बहुत सारी चीज़ें देखी है तो अब ये हम ये नहीं कह सकते कि ये नौवारि सियासतदान हैं ये भी एक मजीब सियासतदान है और इन लोगों को बताया कि अगर ये लोग मुस्लिम लीग नोत से अगर ये लाभ कर रहा है कराची के अवाम के लिए और कराची के लोगों के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लेंगे ले। मेरे नाकसल अपलरा ये कहती थी और मैं बेशक समय कहती रही हूँ कि मुतद कौमेंट का फित्र एलान जो है पीपल्स पार्टी के साथ होना चाहिए क्योंकि दोनों इस शहर और इस सूबे की जमातेंगे और दोनों के मफादार और दोनों के लोगों का जीना मरना यहीं पर है तो बजाय इसके क्या हाँ? अपनों को छोड़कर अपनों से मुराद नहीं कि अपने सूबे के लोगों लो, को कर, अपने लोगों नमायदों को छोड़कर अपनी सूबे की टिकट पार्टी को छोड़कर हम अगर किसी दूसरे से नाप कर रहे तो पर तो उस पर कोई ना कोई जरूर कोई ना कोई मफाद तो नहीं कहना चाहिए जरूर कोई ना कोई ऐसी जिससे मुतद को इस बात का यकीन होगा कि वो जो, जो इस गुजत कई तयनों से कराची के आवाम के साथ कराची के नौजवान के साथ हो रहा है तो वो नवाज शरीफ के जरिए शायद मुस्लिम लीग मुखा हिस्सा बन बन जाएगा वो जो उनकी मालूमिया है उसका कुछ ही इजारा कर सकें सबसे पहला पैदा होता है कि अगर आप वफाकी मुतद अभी उम्म चली जाती है और वहाँ पर उनको कुछ इस दफा में कोई ऐसी नहीं दी जाए जहाँ वो काम तो करेंगे उन वजारतों के लिए तो होगा लेकिन वो कराची के आवाम और कराची के लिए नहीं होगा तो कराची की अवाम के लिए मैं ये समझती हूँ कि कुछ इस तरह से या तो कराची की आवाम जानना भी चाहेगी और कराची के आवाम को नज़र भी आना चाहिए ये बात कि अगर कराची के अवाम ने आपको मंतख किया है तो कराची की अवाम के लिए कराची के लोगों के लिए आप क्या रिलीफ लेकर आते हैं क्योंकि इस वक्त अल्लाला बहुत अच्छी पोजीशन में है अच्छी पोजीशन से बुला रही है कि पीपल्स पार्टी से भी उनके बहुत अच्छे हैं और मुस्लिम लीग में उनसे भी बहुत अच्छे हैं और कुछ वहीद नहीं है कि उनके अपने तरीके इन से दोबारा तल्लुत अच्छे हो जाए मकसद सिर्फ ये है कि आप किसी भी पोलिटिकल पार्टी के साथ वो एंट्री करें उनके साथ गवर्नमेंट का हिस्सा बने उनको मुंतखब करें लेकिन कराची के आवाम के दिए ए वे मैं डे ना भूलें कराची के आवाम का ये तकाजा है उन एन के एफ ने साथ क्योंकि देखिए मैं ये नहीं कहती कि कराची सारी आवाम जो है वोटर एन के एफ़ की ही होगी लेकिन एक बड़ी तादाद एन के एफ की सपोटर और वोटर है तो उस तादाद को तो उन सपोर्टर्स उन वोटर्स के बिल आज़ारी ना हो किसी भी ऐसे से हम ये समझते हैं कि मुतहद पब्लिक मूवमेंट ने वो कुछ सहा है जो शायद किसी और पोलिटिकल पार्टी ने उस लेवल ना सहा हो तो अब इस वक्त वो एक ग्रू पोलिटिकल पार्टी है और ये कोई मतलब दोबारक पार्टी नहीं है जिसको बताना पड़ेगा समझाना पड़े लेकिन मैं से कराची है मैं ये समझती हूँ कि मुतहद पवन मूवमेंट कोशिश ये करे कि वो अपने आवाम की अपने वोटर्स की अपने लोगों का जो जिन चीजों में न जो मसाइल हैं जो उनके इलाकों के मसाइल हैं जो उन लोगों के मसाय मसायद कोई करने की कोशिश करें इसके साथ ही मुझे इजाज़त दी नाजी हम फिर मिलेंगे अपने नए अलोक के साथ अल्लाह हाफिज़